हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अम्ल और उसके स्रोत के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, इससे प्रश्न पक्का पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जितने भी हो वो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम आपको प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्लास करा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और आज का जो हमारा प्रश्न है, देखिए प्रश्न, सॉरी प्रश्न नहीं है, यहाँ पे हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। तो कंसेप्ट में देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको एसिड के नाम और स्रोत और साथ साथ उसके उपयोगिता के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, एक एसिड है जिसको नाम है मैलोनिक एसिड। मैलोनिक एसिड याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा एसिड? मैलोनिक एसिड। देखिए दोस्तों, मैलोनिक एसिड है जिसको हम लोग कार्बोजैलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, इसका स्रोत क्या है? तो ये सामान्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा एसिड दोस्तों? मैलोनिक एसिड या कार्बोजैलिक एसिड। किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। अब इसके उपयोगिता क्या है? तो याद रखिएगा, सेलुलोज, प्लास्टिक और एस्टर को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। फिर दूसरा एसिड है जिसको हम लोग कहते हैं सिट्रिक एसिड दोस्तों। याद रखिएगा, ये सभी प्रकार के सिट्रस फ्रूट में पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया नींबू, हो गया संतरा इत्यादि, नींबू और संतरा इत्यादि में ये पाया जाता है। अब यहाँ पे याद रखिए दोस्तों, ये जो सिट्रिक एसिड है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? भोजन और पेय पदार्थ में खट्टापन लाने के लिए, यानी कि भोजन और हम लोग जो पीने के ड्रिंक है उसमें खट्टापन लाने के लिए इस एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं। कौन सा एसिड दोस्तों? वह है सिट्रिक एसिड। अब यहाँ पे याद रखिए टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड याद रखेंगे, इमली में मिलता है, अंगूर में मिलता है और केला में पाया जाता है दोस्तों। ये स्रोत हो गया किसका? टार्टरिक एसिड का। और याद रखिए दोस्तों, इसकी उपयोगिता क्या है? ये क्या है? एंटीऑक्सीडेंट होता है, और भोज्य पदार्थ को खट्टा करने में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। इनका उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में किया जाता है, और साथ ही साथ जो भोज्य पदार्थ है उसको खट्टा करने में किया जाता है। अगला एसिड आपके सामने है, वो है ग्लूटामिक एसिड दोस्तों। ग्लूटामिक एसिड याद रखिए, ग्लूटामिक एसिड किसमें मिलते हैं? मांस में, अंडे में और दूध से बनी चीजों में आपको ग्लूटामिक एसिड भरपूर मात्रा में पाई जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे इसकी उपयोगिता क्या है? तो ये उपापचय की क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म तथा न्यूरोट्रांसमीटर में क्या करते हैं? तो ये इनकी उपयोगिता होती है दोस्तों। न्यूरोट्रांसमीटर याद रखिएगा कि जो दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में जो गैप होता है उसको हम लोग सिनेप्स कहते हैं दोस्तों, और सिनेप्स में ही एक पदार्थ होता है जिसको हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर में भी किनका उपयोगिता है? तो ग्लूटामिक एसिड की उपयोगिता है। अब यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिए दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं फैथैलिक एसिड। फैथैलिक एसिड, फैथैलिक एसिड दोस्तों, कौन सा एसिड? फैथैलिक एसिड। ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, अंडे और मांस में फैथैलिक एसिड पाया जाता है। अब याद रखिएगा, इसका उपयोगिता कहां है दोस्तों? तो नेल पॉलिश बनाने में और हेयर स्प्रे इत्यादि के निर्माण में इसकी उपयोगिता की जाती है, मतलब कि इनका उपयोग किया जाता है। फिर से आप रिपीट करते हैं दोस्तों, पैथालिक एसिड। पैथालिक एसिड कहां पर पाई जाती है आपकी? तो अंडे और मांस में पाई जाती है, और इनका उपयोग कहां पे? नेल पॉलिश बनाने में और जो हेयर स्प्रे होता है उसके निर्माण में किया जाता है दोस्तों। फिर यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, याद रखिए, वो है एजैलिक एसिड। कौन सा दोस्तों? एजैलिक एसिड। अब ये जो एजैलिक एसिड है, याद रखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, हाँ, एजैलिक एसिड दोस्तों कौन सा एसिड है? एजैलिक एसिड है। ये कहां पर पाया जाता है? तो देखिएगा, ईस्ट की जो कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, वहां पर ये पाया जाता है, मतलब कि ईस्ट की कोशिकाओं से पाया जाता है। कौन सा एसिड दोस्तों? तो एजैलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अब इसके उपयोगिता क्या? तो हेयर स्प्रे बनने के लिए और बालों के झड़ने की दवाओं में इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा कि जितने भी बालों के झड़ने वाली जो दवाएं बनती है उसमें कौन सा एसिड यूज किया जाता है? तो है एजैलिक एसिड। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो बोर्ड पीडीएफ है या बोर्ड जो स्क्रीन है उसको हम लोग शेयर कर देंगे दोस्तों, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि इसका जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसको क्या करेंगे, अच्छे से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दोस्तों और भी बहुत सारे हम लोग एसिड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, अब यहाँ पे है बेंजैलिक एसिड। बेंजैलिक एसिड दोस्तों याद रखिए, बेंजैलिक एसिड कहां पर इसका स्रोत है? तो ये एथेनॉल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से बनता है दोस्तों। किससे बनता है? तो यह एथेनॉल और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिक्सचर से बनता है।
और दोस्तों इसकी उपयोगिता क्या है, तो इनका उपयोग हम लोग दवाओं के निर्माण में करते हैं। फिर यहाँ पर जो दूसरा नेक्स्ट जो एसिड है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। कौन सा दोस्तों? फ्यूमेरिक एसिड। और ये जो फ्यूमेरिक एसिड है वो मानव की त्वचा से, इसमें बोले तो दोस्तों याद रखिएगा, जो मानव की त्वचा होते हैं उसका स्रोत है कौन, किसका स्रोत है दोस्तों? तो ये फ्यूमेरिक एसिड का स्रोत है कौन? मानव की त्वचा। यानी कि इसे आप मानव की त्वचा से प्राप्त कर सकते हैं। और इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो दवा और पॉलिस्टर बनाने में, दवा और पॉलिस्टर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ग्लूटारिक एसिड। ग्लूटारिक एसिड याद रखिए, ये किससे प्राप्त होता है? तो पोटेशियम साइनाइड से इसको प्राप्त किया जाता है। ग्लूटारिक एसिड को किससे प्राप्त किया दोस्तों? तो पोटेशियम साइनाइड से इसे प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पॉलिस्टर है, पॉलियोल आदि, यानी कि यहाँ पे जो मुख्यतः ये पॉलिस्टर के निर्माण में इसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि पॉलिस्टर बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब है ग्लूकोनिक एसिड। याद रखिए दोस्तों, ग्लूकोनिक एसिड कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसके स्रोत में सबसे पहले शहद है, फिर शराब है दोस्तों। यानी कि शहद और शराब से आप क्या प्राप्त करते हैं? तो वह है ग्लूकोनिक एसिड। और हाँ दोस्तों, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो कॉस्मेटिक और खाने की वस्तुओं में। कॉस्मेटिक खाने का मतलब जितने भी है क्या होते हैं कि चेहरे के ऊपर झाड़ू पोछा और जो क्रीम आते हैं वो सभी कॉस्मेटिक कहलाते हैं दोस्तों। और कॉस्मेटिक में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लूकोनिक एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब याद रखिएगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहां से बनेगी दोस्तों? कहां से इसे प्राप्त किया जा सकता है? ग्लूकोज से, सुक्रोज से, दूध से। ग्लूकोज, सुक्रोज और दूध से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो लैक्टिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हाँ एक देखिएगा, जब कोई धावक क्या होता है, लगातार जब दौड़ता है, तो देखिएगा जब धावक लगातार दौड़ता है ना, तो उसके घुटने में दर्द होने लगती है, क्योंकि हम वहां पे क्या होता है दोस्तों, तो वहां पर लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। अब लैक्टिक एसिड कैसे जमा हो जाता है? तो यही जो सुक्रोज यानी ग्लूकोज है उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड के रूप में, यानी कि लैक्टिक एसिड के रूप में बदल जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसकी उपयोगिता क्या है? तो खाने को सुरक्षित और इसके उपचार के लिए किया जाता है। मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कहां पर पाया दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये फल और शराब में पाया जाता है, इसका स्रोत हो गया। फिर यहां पे इसका उपयोग कहां पे होगा? तो खाने को, यानी कि खाने के स्वाद में, यानी कि खाने के स्वाद को बढ़ाने में, ये खाने में स्वाद देने में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो एसिड है दोस्तों वो क्या है? ओलिक एसिड। कौन सा दोस्तों? ओलिक एसिड। अब ओलिक एसिड कहां से प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा, वनस्पति तेल और जानवरों की चर्बी से। यानी कि जानवरों में जो फैट होता है दोस्तों, उसे कौन सा एसिड प्राप्त होता है? ओलिक एसिड। कौन सा एसिड? ओलिक एसिड प्राप्त होता है। और हाँ दोस्तों, इसका ये प्रयोग कहाँ पर होता है? तो इसका प्रयोग हम लोग साबुन बनाने में करते हैं। अगला प्रश्न है फॉलिक एसिड। याद रखिए दोस्तों, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड कहाँ प्राप्त होता है? तो फॉलिक एसिड हमको पालक में, ब्रोकली इत्यादि में प्राप्त होता है। पालक और ब्रोकली इत्यादि से प्राप्त होता है दोस्तों। अब इसकी उपयोगिता क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, शरीर में रक्त की कमी होने पर, यानी कि शरीर में रक्त की वृद्धि करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगले बहुत सारे यहाँ पे हम लोग एसिड के बारे में जान रहे हैं, जैसे देखिएगा एस्टेरिक एसिड। अब यहाँ पे बात की जा रही है एस्टेरिक एसिड दोस्तों। याद रखिएगा, एस्टेरिक एसिड का जो सोर्स क्या है, वो मटन है, बटर है, दूध है और चॉकलेट है। यानी कि मटन, बटर, दूध और चॉकलेट से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? तो एस्टेरिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसके उपयोगिता की, तो साबुन, शैम्पू इत्यादि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। किसके बनाने में? साबुन, शैम्पू बनाने में उपयोग किया जाता है किसका? तो एस्टेरिक एसिड का। अगला एसिड है आपके सामने, वो है टैनिक एसिड। कौन सा दोस्तों? टैनिक एसिड। अब टैनिक एसिड हमको कहाँ कहाँ से मिलेगी? तो चाय की पत्ती से मिल जाएगी, फलों के पौड से मिल जाएगी, फलों के पौड से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये रहा कि इसका उपयोग कहाँ होता है? आग द्वारा जलने पर, आग द्वारा जलने पर इसका उपयोग किया जाता है दवा के रूप में दोस्तों। ठीक है, चलिए अब है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड याद रखिए दोस्तों, कहाँ से प्राप्त होती है? मटर और सेम से प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? पपीता, कीवी, नींबू, टमाटर। पपीता, कीवी, नींबू, टमाटर से प्राप्त किए जाते हैं दोस्तों। और याद रखिएगा, इसका यह प्रयोग एस्कर्वी रोग के इलाज में किया जाता है। ओके,
अब है गैलिक एसिड, याद रखिए गैलिक एसिड दोस्तों। गैलिक एसिड हमको कहां कहां से मिलेंगे, तो वो मिलेंगे लौंग से, चाय से, अंगूर से, केला से। लौंग, चाय, अंगूर से, केला से हमको क्या मिलेंगे दोस्तों, तो गैलिक एसिड प्राप्त हो जाएंगे। अब यहां पे इसकी उपयोगिता क्या है, याद रखिएगा, गैलिक एसिड का उपयोग हम इंक और पेपर इत्यादि बनाने में करते हैं। फिर अगला जो एसिड है आपके सामने है दोस्तों, वो है एसिटिक एसिड। कौन सा दोस्तों? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड कहां से प्राप्त होगा, तो हमको ये प्राप्त होंगे गन्ने के फ्रेगमेंटेशन करके बनाया जाता है, यानी कि गन्ने का जो जूस है उसको हम लोग क्या करेंगे, किण्वित करेंगे, तब जाकर के हमें प्राप्त होगा दोस्तों एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड। और हाँ दोस्तों, इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है, तो इसका प्रयोग सिरका तथा सिरका बनाने के लिए किया जाता है, और साथ में दोस्तों कैंसर जो बीमारी है उसके इलाज में भी हम लोग एसिटिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों और भी बहुत सारी यहाँ पे हम लोग एसिड और उसके स्रोत के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। और साथ ही साथ फिर से एक बार रिमाइंड कर दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा, ताकि एक भी विद्यार्थी या एक भी कैंडिडेट ना छूटे और उनके एग्जाम में दोस्तों एक एक प्रश्न बने, यानी कि एसिड और उसके स्रोत से एक भी प्रश्न ना छूटे। यहाँ पर बहुत सारे हम लोग एसिड और उसके स्रोत को डिस्कस करें दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं अगला। चलिए दोस्तों, अगला है नेम ऑफ एसिड फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे एसिड उसके फॉर्मूला भी होगा दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। और याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक एसिड पृथ्वी के वातावरण में ही इसका सोर्स हो गया। जैसे देखिए क्या होता है, जब नीचे से SO2 जाता है या SO3, जो भी हो, SO3 जाता है और ऊपर जलवाष्प पर दोस्तों वहां पर रिएक्शन करता है और क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ये नेचुरल हो गए, तो ये प्राकृतिक वातावरण में। ठीक है, यानी कि यहां पर जितने भी आपको एसिड बताया जा रहा है मुख्यतः ये शायद या मुख्यतः कहकर ये आपके नेचुरल है। क्या दोस्तों? नेचुरल है। आप देखिएगा, तो पृथ्वी के वातावरण में इसका स्रोत हो गया। उपयोगिता क्या है, तो खाद और पेट्रोलियम के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? सल्फ्यूरिक एसिड का। आप देखिएगा, अब है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2S दोस्तों। किसका? H2S। अब H2S कहां से प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं आपके बैक्टीरिया से। कहां से दोस्तों? बैक्टीरिया से प्राप्त होते हैं। अब यहां पे एक बात रहा इसका उपयोग, तो देखिएगा रंजक के निर्माण में, विस्फोटक के निर्माण में और दवाओं के निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। कौन सा एसिड दोस्तों? वह है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। आप सुनिए, अगला जो एसिड है वह है परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक, सॉरी, पर क्लोरिक एसिड है दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं HClO3। HClO3 नहीं, HClO4, पर क्लोरिक एसिड। अब इसका कैसे बनाया गया है, तो देखिएगा प्रयोगशाला में सोडियम परक्लोरेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम परक्लोरेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिक्स करके इसको तैयार किया गया दोस्तों। इसका सोर्स क्या हो जाएगा, सोडियम परक्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सर। इसका उपयोग दोस्तों याद रखिएगा, मिसाल का जो ईंधन होता है और जो विस्फोटक पदार्थ होते हैं उसमें आपके परक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं दोस्तों। मिसाल के ईंधन में परक्लोरिक एसिड पाया जाता है, या कहे तो मिसाल के ईंधन के निर्माण में परक्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला जो एसिड आपके सामने वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। याद रखिए दोस्तों, औद्योगिक मात्रा में इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, किंतु थोड़ी मात्रा में ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर? हमारे पेट में, यानी कि अमाशय में भी HCl पाया जाता है दोस्तों। हमारे जो पेट होता है, अमाशय होता है दोस्तों, उसमें भी HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पर जो अगला एसिड है वो जानिए दोस्तों, अगला एसिड है जिसे हम लोग देखिएगा क्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, क्लोरिक एसिड, HClO3, HClO3, HClO3 से नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, HClO3। ठीक है, चलिए HClO3। अब इसको भी कहाँ से बनाया गया है, तो प्रयोगशाला में बेरियम क्लोरेट। पूछ देखिए, कहा जा रहा है कि प्रयोगशाला में बेरियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम क्लोरेट और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करके इसको तैयार किया गया है। कौन सा एसिड दोस्तों? क्लोरिक एसिड को। अब यहाँ पे इसकी उपयोगिता क्या है, तो देखिएगा, ओके ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपयोगिता नहीं बनाया था, तो बता देखिएगा,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपयोगिता बैटरी में और बल्ब इत्यादि बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा सा मिस हो गया तो इसके लिए सॉरी फॉर दैट। अब यहां पर ये जो क्लोरिक एसिड है इसका उपयोग कहां पर होगा, तो याद रखिएगा धातुओं और उत्कों के क्षय में, धातुओं और उत्कों के क्षय में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है आपके सामने कि नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड कहां, यानी कि HNO2। नाइट्रस एसिड के बारे में कहा जाए दोस्तों, तो नाइट्रस एसिड का जो स्रोत है याद रखिएगा यह कहां पर पाया जाता है, तो ओजोन की सतह पर पाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कौन ऐसा एसिड है जो कि ओजोन के सतह पर पाया जाता है, दोस्तों एकदम आंख बंद करके आप जवाब दीजिएगा HNO2। HNO2 यानी कि नाइट्रस एसिड। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा इसका निर्माण कहाँ होता है, फॉग और एरोसोल के बनाने में, सॉरी इसका जो उपयोग होता है वो फॉग और एरोसोल के बनाने में होता है। ठीक है, चलिए फॉग तो जानते हैं दोस्तों, कोहरा जो कि ठंडी के मौसम में दिखाई देती है। अगला है नाइट्रिक एसिड दोस्तों, HNO3। याद रखिएगा HNO2 नाइट्रस हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक हो जाएगा, तो नाइट्रिक एसिड। और दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो जो ये नाइट्रस एसिड है नहीं NO2 है, नाइट्रस एसिड नहीं दोस्तों, प्रयोगशाला में NO2 और जल के मिक्सचर से, यानी कि NO2 और जल को हम लोग रिएक्शन करा देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगी हमको, वो मिल जाएगी नाइट्रिक एसिड। और दोस्तों इसका उपयोग कहां पर, तो खाद में और विस्फोटक पदार्थ को बनाने में नाइट्रिक एसिड का उपयोग किया जाता है। अब यहां पर जो अगला एसिड है वो है दोस्तों कार्बोनस एसिड। कार्बोनस एसिड, अब ये कार्बोनस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है H2CO2। H2CO2 दोस्तों, अब ये कहां पर पाई जाती है, तो याद रखिएगा चींटी और मधुमक्खी के डंक में आपके कार्बोनस एसिड पाए जाते हैं। देखिएगा खाने की विषाक्तता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है कार्बोनिक एसिड H2CO3। कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये कहां पर पाए जाएंगे, तो याद रखिएगा ये समुद्र के जल में पाए जाते हैं। और हाँ दोस्तों शरीर में CO2 के परिवहन में और ब्लड के कलेक्शन में इसका यूज किया जाता है। शरीर में CO2 के परिवहन में और ब्लड के कलेक्शन में इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ब्लड खराब ना हो उसके लिए क्या करेंगे, इस एसिड का प्रयोग हम लोग रक्त में डाल करके करते हैं। अगला है वो है ऑक्जैलिक एसिड। याद रखिए दोस्तों ऑक्जैलिक एसिड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो खट्टे भोज्य पदार्थ में आसानी से मिल जाते हैं ऑक्जैलिक एसिड, जैसे कि टमाटर हो गया दोस्तों, ऑक्जैलिक एसिड का अच्छा सा स्रोत है, खट्टे भोज्य पदार्थ में आसानी से पाया जाता है जैसे कि टमाटर। ठीक है, कपड़े साफ करने और दवाओं के निर्माण, यानी कि दोस्तों ऑक्जैलिक एसिड का प्रयोग हम लोग कपड़े साफ करने और दवाओं के निर्माण में करते हैं। अब यहाँ पर जो खास बात है दोस्तों देखिएगा वो है फॉस्फोरिक एसिड H2PO4। फॉस्फोरिक एसिड इसका प्रयोग कहां पर होगा दोस्तों, और इसका स्रोत क्या है, तो कोक सिलिका आदि से प्राप्त किया जाता है। इसका स्रोत क्या है दोस्तों, कोक और सिलिका आदि है। ठीक है, यहाँ पे इसका उपयोग कहां पे दोस्तों, तो साबुन टूथपेस्ट इत्यादि के बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट है वो फास्फोरस एसिड है दोस्तों। पहले था फास्फोरिक, अब क्या है दोस्तों, फास्फोरस है H2PO3। H2PO3 याद रखिए दोस्तों इसको कहां से प्राप्त किया जाएगा, तो प्रयोगशाला में एसिड एनहाइड्राइट और जल के मिक्सचर से, यानी कि जो एसिड एनहाइड्राइट है और जो जल है उसको मिक्स करके रिएक्शन कराया जाएगा, तब जाकर के हमें फास्फोरस एसिड यानी कि H2PO3 प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसके उपयोग क्या है, तो जो PVC पाइप होता है दोस्तों, PVC पाइप उसके निर्माण में, जैसे देखिएगा घरों में हम लोग लगाते हैं दोस्तों PVC पाइप बिजली वाला, या पहले क्या होता था कि बिजली की तार को पूरे घर में दौड़ाने के लिए हम फट्टी यूज करते थे और लगाते दोस्तों, और इंसान जो तार होता है उसके ऊपर जो कवरिंग होता है दोस्तों वो PVC होता है। तो सिंपल सी एक बात जानिए कि उसी PVC के पाइप जो होते हैं या जो PVC होता है उसके निर्माण के लिए कौन सा एसिड यूज किया जाता है, तो वो एसिड यूज किया जाता है फास्फोरस एसिड। ठीक है, अगला है जो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोमिक एसिड दोस्तों। ब्रोमिक एसिड, अब ये ब्रोमिक एसिड यानी कि HBrO3 के नाम से जानते हैं। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा प्रयोगशाला में बैरियम ब्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, बैरियम ब्रोमेट और
सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स कर देंगे तब जाकर के हमारे बनेंगे ब्रोमिक एसिड दोस्तों। कौन सा एसिड? ब्रोमिक एसिड। और हाँ दोस्तों, इसका उपयोग घर को भरने में किया जाता है, यानी कि घाव अगर हो गए तो उसको भरने के लिए, बंद करने के लिए, ढकने के लिए, या कह सकते तो उसमें इसको भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिएगा, एक है आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड दोस्तों कौन सा एसिड? आयोडिक एसिड, ठीक है, आयोडीआईसी, आयोडिक एसिड, HIO2, इसका मतलब कि इसका स्रोत क्या है, तो कहां से बनेगा? तो प्रयोगशाला में जल, आयोडीन और क्लोरीन, जल आयोडीन और क्लोरीन को हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों? मिक्स कर देंगे तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन होगी तब जाकर के बनेगा आयोडिक एसिड। और इसका उपयोग दोस्तों अम्ल और क्षार को पहचानने में किया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए किस एसिड का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा आयोडिक एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न है हाइड्रोइक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड यानी कि HI, याद रखिए दोस्तों HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड, इसका उपयोग कहाँ पे होता है और इसके स्रोत क्या है? तो देखिएगा, समुद्र के किनारे पाए जाने वाले बैक्टीरिया में ये पाया जाता है दोस्तों। हाइड्रो आयोडिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? तो समुद्र के किनारे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे इसका उपयोग कहाँ पर दोस्तों? तो मेटाबॉलिज्म की क्रिया और दवाओं के निर्माण में किया जाता है दोस्तों, यानी जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे एक बात बता दें, एसिड और इसके स्रोत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी उपयोगिता उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसिड और इसके जो स्रोत हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो इस पर आप पूरा ध्यान देंगे। अगली बात देखिएगा, वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF दोस्तों। अब ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो कहाँ से प्राप्त होंगे? तो याद रखिएगा कि ज्वालामुखी जैसे पहाड़ी में रहने वाले जीवाणुओं में, तो दोस्तों ये नेचुरली पाई जाती है कि जो ज्वालामुखी पहाड़ी होती है उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें ये पाए जाते हैं। अब दोस्तों इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो दांतों की सफाई में इसकी बहुत ही कम मात्रा ली जाती है दोस्तों। दांतों की सफाई करने के लिए क्या होता है? तो हम लोग हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का यूज करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दोस्तों जितने भी डेंटिस्ट लोग हैं वो दांतों की सफाई करने के लिए जिस एसिड का उपयोग करते हैं वो HF होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब है सेलेनिक एसिड दोस्तों, सेलेनिक एसिड जिसको हम लोग H2SEO4 के नाम से जानते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इसका निर्माण कैसे किया जाएगा या इसका स्रोत क्या है? तो प्रयोगशाला में ग्लायोक्सल, देखिएगा ग्लायोक्सल और एसिटाल्डिहाइड, ग्लायोक्सल और एसिटाल्डिहाइड को हम लोग मिक्स कर देंगे, ग्लायोक्सल और एसिटाल्डिहाइड को हम लोग मिक्स कर देंगे तो दोस्तों क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी सेलेनिक एसिड। और हाँ दोस्तों याद रखिएगा, सेलेनिक एसिड की उपयोगिता क्या है? तो कांच और जानवरों के भोजन बनाने में, कांच बनाने में और जानवरों के लिए जो भोजन बनाया जाता है, चारा बनाया जाता है, उसके लिए इस एसिड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। कौन सा एसिड है फिर से याद करा दें? वो है सेलेनिक एसिड दोस्तों, सेलेनिक एसिड है। अगला है जो कि है बोरिक एसिड दोस्तों, याद रखिएगा बोरिक एसिड यानी कि H3BO3, और बोरिक एसिड कहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, जो समुद्र का जल होता है, ज्वालामुखी होता है और कुछ फल होते हैं, उससे ये आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर इसका उपयोग क्या है? तो याद रखिएगा, जलने या कीड़ों के काट लेने पर लगाया जाता है, यानी कि मान लेते हैं जहाँ पर जल गया और जहाँ पर किसी कीड़े ने काट लिया तो वहाँ पर इस एसिड को लगाया जाता है जिससे राहत मिलती है। अब देखिएगा दोस्तों आगे फॉर्मिक एसिड, याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOH, और ये HCOH कहाँ पाई जाती हैं? तो चिट्टी, तितली के लार्वा आदि से प्राप्त की जाती है दोस्तों, चिट्टी और तितली के लार्वा से प्राप्त की जाती है। अगला है कि इसका उपयोगिता क्या है? तो इधर याद रखिएगा, एंटी बैक्टीरियल दवाओं के निर्माण में, यानी कि बैक्टीरिया के विरोध में जो दवाएं बनाई जाती हैं उसमें मुख्यतः या जनरली हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? तो फॉर्मिक एसिड का उपयोग करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, जो लोग दवाई बनाते हैं दोस्तों वो लोग क्या करते हैं? फॉर्मिक एसिड का उपयोग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगला आपका नेक्स्ट जो है आर्सेनिक एसिड है, कौन सा दोस्तों? आर्सेनिक एसिड जिसको हम लोग कहते हैं H3ASO4, और याद रखिए दोस्तों जो आर्सेनिक एसिड है ये कहाँ से प्राप्त होंगे?
तो प्रयोगशाला में जल, आर्सेनिक और मिक्सर, याद रखिएगा, जल और आर्सेनिक को मिक्स कर देंगे, जल और आर्सेनिक को मिक्स कर देंगे तब जाकर के, या कुल मिला जुला करके रिएक्शन करा देंगे तो जाकर के हमको मिलेगा आर्सेनिक एसिड। और दोस्तों याद रखिएगा, इसका प्रयोग हम पौधे के दवा के रूप में करते हैं, यानी कि ये देखिएगा, ये पौधे के दवा के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला एसिड है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हाइड्रोसायनिक एसिड। हाइड्रोसायनिक एसिड जिसको हम लोग HCN के नाम से जानते हैं, और दोस्तों ये कहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखिएगा, मिलीपीड्स और मोथ, ये दोनों जीव हैं। मोथ तो तितली के जैसा होता है, और जो ये मिलीपीड्स हैं दोस्तों वो थोड़ा सा केचुए की तरह होता है। तो मिलीपीड्स और मोथ से ये प्राप्त होते हैं। अब याद रखिएगा, इसका उपयोग, इस जो एसिड है इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो याद रखेंगे, लोहा और स्टील को मजबूत बनाने में दोस्तों, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील होता है ना, और जो आयरन होते हैं, लोहा होता है, उसको अगर मजबूत बनाना है तो वहां पर दोस्तों एक एसिड का प्रयोग किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसायनिक एसिड। नेक्स्ट जो एसिड है वो है यूरेनिक एसिड, याद रखिएगा, यूरेनिक एसिड H2UO4, H2UO4। तो याद रखिए दोस्तों, जो यूरेनिक एसिड है H2UO4, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा, मानव के रक्त में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है, मानव के रक्त में ये पाया जाता है, कौन सा दोस्तों, यूरेनिक एसिड H2UO4। अब देखिएगा इसका उपयोग कहाँ, तो कभी कभी वस्तुओं को ठंडा करने में इनका उपयोग किया जाता है दोस्तों। अगर मानते हैं कि वस्तु है उसको ठंडा करना है, कूल करना है, तो वहां पर यूरेनिक एसिड का उपयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला जो है वो है जैनिक एसिड दोस्तों, जैनिक एसिड। अब जैनिक एसिड को हम लोग H2XeO4, यानी किसको जैनिक एसिड कहते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, ओजोन परत में पाए जाते हैं ये जैनिक एसिड। कहाँ पाए जाते हैं, ओजोन परत में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ओके। अब इसका उपयोग कहाँ पे होता है, तो याद रखिएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कारक ये होते हैं। इनका उपयोग ऑक्सीडेशन कारक के रूप में किया जाता है, यानी कि किसी प्रकार का जो ऑक्सीडाइजर एक्शन करना है तो वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में बहुत सारे एसिड और उसके स्रोत, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे हमने उसके उपयोगिता को भी देखा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको लगती है कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे गए हैं, तो दोस्तों एकदम आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। अगर आप इस चैनल के पुराने मेंबर हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पे जो बायोलॉजी अड्डा है दोस्तों। आप कंटिन्यू बने रहिए, इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहेगी और आप अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम आपको विटामिन और विटामिन से संबंधित विभिन्न प्रकार के बीमारियों के बारे में बताएंगे, और दोस्तों विटामिन के जो अन्य नाम होते हैं, केमिकल नाम होते हैं, वो सब बताने का प्रयास हम लोग करेंगे, एक अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे वास्तविक प्रश्नों के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।